स्तपनि मर्म माथे के उस भाग में होता है जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। इसको योग की भाषा में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इस स्थान पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु संभव है। और एक छोटा सा कथानक है कि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के तीर के लगने से हुई थी और यह तीर स्तपनि मर्म के स्थान पर लगा था। जब तीर को निकाला गया तो तुरंत श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये विशल्यग्न मर्म का स्थान है और इस स्थान पर यदि तीर को निकाल दिया जाता है तो वायु के तुरंत क्षय होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यदि इस स्थान पर तीर या जो फॉरेन बॉडी लगी है इसको ना निकाला जाए तो व्यक्ति जीवित रहता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ये जब भी हम लोग किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते तो इस स्थान को स्पर्श करते हैं। और इस स्थान पर ही माता अपने छोटे बच्चे को थपकी देती है और उससे उसको निद्रा आती है। जिन परिस्थितियों में हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, ऐसी अवस्था में स्तपनि मर्म को प्रेरित करने से आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। निद्रा ना आने की अवस्था में भी स्तपनि मर्म अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इस मर्म को नियमित रूप से यदि आप स्वमर्म चिकित्सा के माध्यम से उपचारित करना चाहते हैं तो उसकी विधि को जानने के लिए आप अंगूठे के माध्यम से इस मर्म स्थान को आप दबा सकते हैं। आइए स्तपनि मर्म को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक जानते हैं। दोनों भौं के बीच में आप इसको इंडेक्स फिंगर से आप फील कर सकते हैं कि यहाँ एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको स्तपनि मर्म कहते हैं। इसको आपने देखा होगा कि इसमें तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने की विधि अंगूठे से तिलक लगाया जाता है। तो स्तपनि मर्म को भी आप इस ढंग से प्रेसराइज कर सकते हैं और इसको स्तपनि मर्म को 15 से 18 बार इसको दबाएं। आप अंगूठे के माध्यम से इसको प्रेशर दे सकते हैं, इस स्थान को प्रेशर दे सकते हैं। तो ये स्तपनि मर्म है। स्तपनि मर्म की दूसरी एक विधि और होती है, यदि आप उसको पूरे ढंग से स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो हाथों को लगभग ऐसे बांध लीजिए और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स के बीच का जोड़ होता है, इंटरफेलिंजल ज्वाइंट होता है अंगूठे का, इसको यदि आप ये भौं के बीच में भौं पे रखेंगे और आप इसको देखेंगे तो ये दोनों तरफ से इसको स्टिमुलेट करने की एक टेक्निक होती है कि हम इसके दोनों बाहर के हिस्सों तक पूरे जो स्तपनि मर्म है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अंगूठे को सिर्फ मूव करना है, अंगूठे की जो उंगलियाँ इंटरफेलिंजल ज्वाइंट को आपको मूव करना है। प्रेशर दीजिए, छोड़िए, प्रेशर दीजिए, छोड़िए और इसको 0.8 सेकंड का स्टिमुलस इसमें देना होता है। इसको आप एकदम लगातार छोड़ते रहेंगे, दबाते रहेंगे और इसका जो प्रेशर है वो स्तपनि मर्म पे पड़ता है।